अरे बेटा दरख्त पे क्या कर रहे हो? मैं जीनिया का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन दरख्त पे चढ़ के क्यों? मैं समझा नहीं। वो नहीं बता सकता, हमारी आपस की बात है। जीनिया तो अंदर बैठी बातें कर रही है। कैसे यार, वो तो सो रही है। वो अगर वो जागती तो मुझे जरूर पता चल जाता। अच्छा चलो नीचे आओ, तुम्हें सर्दी ना लग जाए, बुखार हो जाएगा बिला वजह। चलो आओ नीचे। चढ़ा हुआ था। आहा, क्यों? क्या कोई खास काम था? बस बोर हो रहा था मैं। तुम्हारी उंगली से वो डोर कैसे निकली? मैंने निकाली और दीवार के साथ बांध दी। और तुमने वो डोर मुझे डराने के लिए बांधी थी ना, है ना? बताओ, मुझे डराना चाहते थे ना? ये कैसा मजाक किया तुमने? तुम्हें कुछ और समझ नहीं आया? क्या समझना था और क्या समझाना चाहते थे तुम? मैंने कोई पजल तो नहीं मिस कर दिया? बिल्कुल नहीं। तुम बैठो आराम से। तुम्हें पता है आंटी ने बहुत ही शानदार खाना बनाया है, मैं लेकर आती हूँ। आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई, हमें कहीं और भी जाना है। अनफॉर्चुनेटली आज वो नहीं आ सकेंगी। वाकई में? पर मुझे तो कहा था आप दोनों साथ में ही इंटरव्यू देंगे। बिल्कुल सही। दरअसल उनकी फैमिली में कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए वो नहीं आ सकी। आपका वक्त जाया करने के लिए बहुत माजरत चाहता हूँ। कल शाम में सिटिंग रख लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? तो फिर हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, सी यू, फिर मिलते हैं। हेलो जी, कहिए। जी जी ऑफिसर, कहिए, मैं सुन रहा हूं। आपको गाड़ी कहां से मिली? ठीक है, ये बताइए कि गाड़ी में से कुछ गायब तो नहीं है? ठीक है, थैंक यू सो मच। जी जी मैं समझ रहा हूं। जी मैं बिल्कुल पहुंच रहा हूं। बाय बाय। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? ये क्या हालत बना रखी है? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। प्लीज मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दे। ठीक है, तो मैं इस हालत में छोड़ के चली जाऊं? पागल हो गए हो? क्या हुआ है? जब तक तुम जवाब नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरा दो लड़कों से झगड़ा हुआ है। पर क्यों, बताओ मुझे बेटा। आपा के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। ज़ेनिया के बारे में क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि शादी की जल्दी तभी होती है जब बदनामी का डर होता है, इसलिए मारा उन्हें।
मम्मा की जान, चलो आ जाओ यहाँ पे, इधर बैठो, मेरी बात सुनो। आपन ने तुम्हारे बाबा की खुशी के लिए ये शादी की है, ये बात तुम जानते हो ना? लोगों की बातों पे ध्यान दोगे तो तुम इसी तरह से परेशान रहोगे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा। वो जो कहते हैं उन्हें कहने दो, तुम अपनी बहन पर भरोसा रखो। मुझे बहुत भरोसा है मामा। तो फिर क्यों इतने मायूस हो रहे हो तुम? अगर सुकून से रहना है तो कान बंद करो और अपने रास्ते पर चलते रहो, ठीक है ना? किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा तो बहुत समझदार और अकलमंद है, हर काम समझदारी से करता है ना? अब मामा से वादा करो बेटा। ओके। मेरा छोटा सा बाबा इतना बड़ा हो गया। मेरा प्यारा बेटा मौसद के, बहुत अच्छा बेटा। तुम ठीक तो हो? देख लिया, मैंने कहा था ना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, कहा भी था। बहुत तकलीफ है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। हमेशा बेध्यानी करती हो, कितनी बार समझाया है, लाओ दिखाओ जरा। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, छोड़ो इसे, तुम पहले ही बहुत थक गई हो। नहीं, जरा सा रह गया। नहीं, मैंने कहा ना, ये तो खत्म करने दो। अरे मैं कर लूंगा ना। इन्हें देख के लगता है कि 30 साल हो चुके हैं इन्हें। बिल्कुल नहीं, जरूर इनकी शादी देर से हुई है, वरना कौन करता है ये सब। जीनिया, क्या तुम भी ऐसे ही करोगी? देखो बुरा मत मानना, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, और ना ही मुझे कोई ऐसा मिलने वाला है। तो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं 300 साल बाद भी ऐसा ही रहूंगा। जानेवन, तुम ऑलरेडी एक शादी से भाग चुके हो और आइंदा भी यही करोगे, मुझे छोड़ जाओगे, तुम पे भरोसा नहीं रहा। कसम से, कितनी जालिम हो तुम यार। बुरा मत मनाना तुम, लेकिन जो सच है वो है। अयाज, पता है मुझे ज्यादा अफसोस किस बात का हुआ है कि तुमने जानबूझ के किया, तभी तुम मुझे यूं भरी शादी में अकेला छोड़कर भाग गए। अब तुम्हारे साथ क्या करूं, सिंपैथी दिखाऊं तुम्हें? यार, माना कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब तो प्लीज मुझे माफ कर दो। जाफियार, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुमने हमें ढूंढा कैसे? अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, हमें फौरन इस्तांबुल पहुंचना है। अगर तुम लोग मुझे 1 घंटा और नहीं मिलते ना, तो कसम से कयामत आ जाती। ऐसा क्या हो गया है? खैर तो है ना, सब क्या हुआ? अयाज ने तुम्हें नहीं बताया क्या? हाय फिजा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो यार? मैंने आप लोगों को इंटरप्ट कर दिया है ना? कोई बात नहीं, आप लोग अपनी बातें जारी रख सकते हैं, मैं आप लोगों की बातें खत्म होने का इंतजार कर लेती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? वैसे आप लोगों को देख के लगता है आप दोनों की शादी नहीं हुई, और जरूर शादी के लिए एक अच्छे लड़के की भी तलाश होगी आपको, लेकिन अगर आप इस लड़के के बारे में सोच रही हैं तो ये बहुत दूर है आपकी पहुंच से। फिजा, ये क्या कर रही हो तुम? आई एम रियली सॉरी, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे आगे। वापस जाकर कौन सी बातें करनी है तुम्हें उनसे? तुम्हें इस बात से क्या मसला है हा? और अचानक तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें तो घर पर टाइम गुजारना था ना। घर पर टाइम गुजारने से अच्छा है यहाँ आकर तुम पर नजर रख लूं। मुझ पर नजर रखने के लिए? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझ पर नजर रखनी चाहिए? बहरहाल, तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल नामुमकिन है, और तुम्हारे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये। तुम लोगों के इतने दांत क्यों निकल रहे हैं? कौन सी इतनी फनी बात है? एमरे, कौन है ये लड़कियाँ? ये लड़कियाँ हमारी मेंबर्स हैं बस। कौन से क्लब की मेंबर्स हैं? यहाँ कोई लवर्स क्लब तो नहीं खुल गया? पिज्जा, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी इस तरह से इंसल्ट करने का, समझ आई तुम्हें? प्लीज बाहर जाओ और अपने आप को रिलैक्स करो। अब तुम बताओगे कि क्या करना चाहिए मुझे? अब ऐसा होगा, बताओ मुझे, मेरे ही बाबा की कंपनी में खुद को बॉस समझने लगे हो, और मेरे ही बाबा के दिए हुए कपड़े पहनकर यहाँ पर तुम लड़कियों को इम्प्रेस करोगे, और मुझे कहोगे कि खामोश होकर एक कोने में बैठ जाओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा एमरे। फिजा, अब
अपने मीटिंग के बारे में बताना मुझे जरूरी नहीं समझा। बेटा तुम्हें इन मीटिंग्स में आना पसंद नहीं, तुम ही ऐसी गैदरिंग से बोर हो जाती हो। अगर मैं बोर हो भी जाती हूँ तो क्या मीटिंग्स के बारे में आप मुझे इन्फॉर्म नहीं करेंगे? फिजा अयाज, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी अहम बात हो गई और मुझे कानों कान खबर नहीं। क्या बात है तुम्हारी अयाज? इसलिए नहीं बताया कि मैं ये खत्म करना चाहता हूँ। मैं इस फजूल ड्रामे को मजीद नहीं चलाना चाहता हूँ। यार लेकिन यहाँ सवाल तुम्हारे फ्यूचर का है। मुझे कोई फिक्र नहीं किसी चीज की, मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो सीनिया। ओ अच्छा, मैं मतलब मैं इम्पोर्टेंट हूँ वाकई में? तो फिर ये बताओ निकाह पे क्या हुआ था, क्यों नहीं आए थे उस दिन यार? अरे इसमें लड़ने वाली क्या बात है, बस इतनी सी बात है कि हमें कुछ दिन और ये ड्रामा करना होगा, दैट्स इट। हरगिज नहीं, कभी नहीं। सुना तुमने, मैं सब सच बता दूंगा। हमारी ये मजबूरी है, हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें ये ड्रामा करना होगा। अयाज तुम्हें ये बात समझनी होगी। जिनिया किसी एक को चूज कर लो, मुझे मजबूर मत करो। देखो जावियार मेरी मुश्किल में मेरे काम आया था, तो अब मैं उसे उसकी मुश्किल में कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? अयाज तुम मुझे यहाँ फोर्स नहीं कर सकते। अयाज सीनिया प्लीज, तुम दोनों आराम से बात करो यार। फैसला हो चुका है, बाज़ोकात इंसान के लिए फैसला करना मुश्किल नहीं होता है बल्कि बहुत आसान हो जाता है। वजह पता है? किसी मोहब्बत के नाम पे नहीं, शादी के नाम पे नहीं, सिर्फ दोस्ती के नाम पे, जिस पे हम यकीन नहीं रखते बिल्कुल। चलो जावियर चलते हैं यहाँ से, खुदा हाफिज। मैंने कहा था ना मैं मफलर बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी, क्योंकि मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। चलते हैं यहां से, उठो। बंद क्यों नहीं रहा? एक दो तीन, उसे यही लगता है ना मैं कुछ नहीं कर सकती। हद हो गई, मैंने स्कार्फ बुनने का कहा है ना, तो जरूर बना के दिखाऊंगी इसको मैं। और रही बात उसकी, तो उसे अभी पता ही नहीं है कि मैं हूं कौन, लेकिन जल्दी आएगी समझ। अब बंदे को इतना ख्याल तो होना चाहिए ना कि किसी के खुलूस का जवाब कैसे दिया जाता है। मैं एहसान फरामोश नहीं हूं। ये यहां से गया, और मैं तुम्हें सही बता रही हूं जावियर, उसे अभी पता ही नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है। अगर हमने ये ड्रामा खत्म किया तो पता है ना क्या होगा, तुम्हारा और उसका काम खत्म। लेकिन कुछ भी हो, हमें हर हाल में अयाज को मनाना ही होगा यार, उसका मानना बहुत जरूरी है। जावियर अगर तुम्हें ये काम बचाना है ना, तो फिलहाल अयाज को बोलना ही होगा। तुम आराम से काम करो, अपनी पीआर बनाओ, तुम्हें ये साबित करना होगा कि हम लोग हैप्पीली मैरिड कपल हैं। करोगे ना? क्योंकि मैं अपने दोस्त को ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अच्छा तो हम कहाँ थे? ये हो गया, अब ये ऐसे, और ये हो गया। आज मैंने अमरीक की बहुत इंसल्ट कर दी ऑफिस में सिबिल, सब खत्म। अब वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगा। ये क्या किया फिजा, तुम्हें इतना प्यारा तैयार करके क्या मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए वहाँ भेजा था? क्या जरूरत थी ये सब कहने की? लेकिन उसके आसपास इतनी खूबसूरत लड़कियाँ थी यार, ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, जाके अमरीक का हाथ पकड़ लेती, तुम्हें तो बस मैसेज देना था ना। मैसेज तो अच्छे से पहुंच गया होगा उस तक मेरा। बिल्कुल, एमरे सिर्फ मेरा है लड़कियों, इससे दूर रहना। अगर कोई उसके पास आया तो मैं उसके बाल नोच लूंगी। ऐसा ही लगा होगा, ये सब क्या कर दिया मैंने आज, पता नहीं सिबिल मुझ में इतनी नेगेटिव एनर्जी कहां से आ जाती है, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया मैंने आज। शामीर, मेरी जान। हाँ, मेरी जान, सजा खत्म हो गई मेरी। किस सजा की बात हो रही है? अरे यार मुझे तरबूज खाना था, और ये साहब तरबूज की टॉफियां ले आए मेरे लिए। मैंने तुम्हें बताया था ना वहाँ क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा छोड़ो, इसे जाने दो, अब जाओ जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ, मेरा बहुत दिल कर रहा है पीने का। ठीक है मेरी जान, मैं अभी तुम्हारे लिए जाकर गर्म दूध लेकर आता हूँ, देखना अगर नहीं मिला ना वापस नहीं आऊंगा मैं। जरूर मिल जाएगा, अगर इस मौसम में भी गर्म दूध जैसी चीज नहीं मिल सकती तो कभी नहीं मिल सकती। सही कहा तुमने, ठीक हो जाएगा सब। अच्छा मेरी जान,
मैं बस अभी आया। हाँ शुक्र है घर आ गए हैं। अरे चाबियां कहाँ रख दी है मैंने, यहीं तो रखी थी। अरे चाबियां कहाँ गई यार, तुमने देखी है कहीं चाबियां? नहीं डियर। मेरी किचन वाली चाबियां यार। मैंने नहीं देखी। अरे देखो शायद ये है ना, ये कैसी कीचेन है। चलता रहेगा, ये क्या कर रही हो तुम? गंदे बच्चों की तरह कचरे में से कैन निकालने लग गई, पता नहीं क्या करती हो इनका। नहीं ये जावियार का कैन है, अच्छा है ना? यार जीनिया तुम कब तक भाई से ऐसे छुपकर मोहब्बत करती रहोगी? तुम नहीं बताओगी तो मैं जाकर बता दूंगी। अरे नहीं देखो फिजा, तुमने मुझसे वादा किया था, कसम से अगर तुमने बताया ना तो मैं अपने ही ब्रेसेस खा के देखना खुदकुशी कर लूंगी मैं, और जानती हो भूत बन के तुम्हें ही डराऊंगी। समझ गई समझ गई। क्या हुआ, तुम आखिर किन सोचों में पड़ गई हो? नहीं यार बस ऐसे ही कुछ याद आ गया। जैम को बचपन से ही काउंट करने की आदत थी, बच्चों को ऐसी हरकतें करने में मजा आता है ना। मेरे पास थी तो सोचा कि किचन बना लूं, अच्छी तो खैर नहीं लगती। सोच रही थी कि चेंज कर लूं, लेकिन क्या है कि वक्त नहीं है बिल्कुल। हाँ भाई कैसे हो दोस्त, ज्यादा मिस तो नहीं किया ना तुमने मुझे? तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। क्या भूख लगी है तुम्हें? अरे छोड़ो जीनिया के जूते हैं ये, चलो आ जाओ। रुको जरा, एक काम करो मेरे जूतों से खेल सकते हो तुम? हाँ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, ओके खुद ही अपने आप को संभालना होगा। इसे भूल भी चुकी थी। वैसे हैरत हो रही है कि इसे अभी तक अपने पास क्यों रखा हुआ है मैंने, अजीब बेवकूफ हूं। लेकिन बस अब और नहीं रखूंगी इसे अपने पास। बेटा कहां थी तुम रात को, हमें बहुत परेशान कर दिया था तुमने। कल रात अगर तुम अयाज के साथ थी तो कम से कम मुझे बता तो देती कि तुम अयाज के साथ हो। असल में वो प्लान अचानक से ही बन गया। अब ये क्या बात हुई कि प्लान अचानक से बना था, बताना तो चाहिए था ना। वो हम कहीं जा रहे थे, अचानक से गाड़ी खराब हो गई, फिर वहाँ एक अजीब सा होटल मिला हमें। उफ मामा छोड़े कोई और बात करते हैं, मैं सुबह बता दूंगी, अभी थक चुकी हूँ। जीनिया एक बात कहनी थी तुमसे, जब तक मामला ठीक नहीं हो जाते तुम्हारा आया से ना मिलना ही बेहतर है बेटा। हाँ वो तो ठीक है मगर तुम बच्ची नहीं हो बेटा। देखो अब हर किसी को पता चल चुका है तुम जावियार की बीवी हो, अयाज की दोस्त नहीं।
और अगर लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे तो तुम किस किस की जुबान बंद करती फिरोगी? अपनी सफाई कैसे दोगी? इतना ही कहना है मुझे तुमसे, चलो अब आराम करो। हाँ एक और बात है, ये बताओ तुमने अपनी कलेक्शन शाइमा को क्यों दे दी? बात यह है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं समझा सकते। तो मतलब मैं ना समझूं? मैंने तुम्हें पैदा करके इतना बड़ा कर दिया लेकिन तुम्हारी नजर में मैं ना समझूं? मामा प्लीज आप परेशान ना हो, बस मैंने जो किया ठीक किया और वजह क्या थी उसे छोड़ दें बिल्कुल। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो अब सो जाओ बेटा। कमॉन फिजा, सुबह से 10 मरतबा बोल चुकी हो, अब जल्दी से बता दो क्या बात है। वादा करे किसी से नहीं कहेंगे। ओफो, अरे नहीं बताऊंगा बाबा, वादा करता हूँ। एक लड़की आपसे मोहब्बत करती है। हाँ। सिर्फ मोहब्बत नहीं, बहुत मोहब्बत करती है आपसे, आशिक है। अच्छा, आपके लिए कुछ भी कर सकती है। वाह, वो कौन है? हाँ, कहीं तुम वो 9C वाली स्पिरल के बारे में तो बात नहीं कर रही हो? नहीं नहीं वो नहीं है। अच्छा तो तुम ही बता दो कौन है वो, खूबसूरत है क्या? वो तो बहुत प्यारी है और वो आपसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है कि मेरा मतलब कचरे में से आपके केन्स के रिंग जमा करती रहती है, इस कदर मोहब्बत करती है आपसे। केन के रिंग्स जमा करती? हाँ, पागल है क्या वो? देखो मुझे तजस्सुस हो रहा है, अब तुम ही बता दो कौन है वो। उफ, अच्छा बताती हूँ। वो जीनिया है। जीनिया? कौन जीनिया? मेरी प्यारी सी दोस्त। वो कंफ्यूज जीनिया, बेवकूफ सी, ड्रेसेस वाली जीनिया। तौबा फिजा, मैं भी सोच में पड़ गया, आखिर कौन है वो? वो जीनिया है। प्लीज आइंदा ऐसी बातें मत करना। अरे यार ये गरम दूध वाला यही तो होता था, अब कहाँ चला गया? मुझे सिबिल के लिए दूध लेना था, अब इतनी सर्दी में कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम यहाँ भी आ गए? देखो मेरा तुमसे लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ गर्म दूध की तलाश में आया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि गर्म दूध कहाँ से मिलेगा? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, सुन लिया? सड़क छाप कहीं के, जो चीज मुझे चाहिए वही तुम्हें क्यों चाहिए होती है? क्या मतलब है, क्या तुम भी गर्म दूध की तलाश में आया हो? क्या तुम्हें पता है मेरे दोस्त इस वक्त गर्म दूध कहाँ से मिलेगा? ये क्या तुमने दोस्त दोस्त की रट लगाई हुई मेरे साथ? हाँ ये मेरा इलाका है, जाओ अपने इलाके में जाके ढूंढो, जाओ यहाँ से। मैं भी इसी इलाके में रहता हूँ, मेरा दिल जहाँ चाहेगा मैं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हें गरम दूध। अरे सुनो दूध वाले, हेलो यहाँ पर, इधर आओ, ये देखो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। रुको रुको, पहले मैं जाऊंगा, हटो यहाँ से, रुको बात सुनो। क्या मसला है? मुझे दूध चाहिए, रुक जाओ। सुनो तुम लोग, हाँ तुम दोनों वही चोर हो ना? नहीं 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 हम लोग चोर नहीं है। रुको मैं बताता हूँ, तुमसे भूत खरीदना है। गरीब आओ, तुम दोनों ने समझ क्या रखा है कि हमेशा की तरह बच जाओगे तुम लोग? इस बार तुम करोगे मेरे तो पागल हो गए। भागो, चलो यहाँ से, बचाओ जान, भागो। आइंदा यहाँ नजर आए ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, याद रखना। हाँ जा रहे मत दो हमें दूध। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग अयाज सर, मीटिंग शुरू होने में आधा घंटा रह गया, आप आ रहे हैं ना? मैं नहीं आ सकता प्लीज, मैं ठीक नहीं हूँ, आप जावियार को बता दे मुझे संभाल लेगा। जावियार सर और जीनिया मैडम कहीं जा रहे हैं, वो आज की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकेंगे। खैर कोई बात नहीं सर, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। गेट वेल सून।
आजा। ऐसा है कि हम दोनों को अकेले रहना होगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, चलो खामोशी से मेरे साथ सो जाओ। तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, मेरी भी नहीं हुई, ना उसकी कॉल आई। सर, हाँ लाओ दो, थैंक यू। अब बस अब आप जाएं। वो क्यों नहीं समझता है जावियर? एक तरफ तुम लोगों का बिजनेस है, दूसरी तरफ मोहल्ले वाले हैं। आखिर अयास को समझ क्यों नहीं आता कि हमने सबके सामने शादी की है, हर किसी की नजरें हम पे हैं। नहीं, गालिबन अयास ही ठीक है, और हम लोग भी इस सूरत हाल में ज्यादा अरसा नहीं रह सकते। तुम्हें अपने पार्टनर को बता देना चाहिए। मगर तुमने मुझसे वादा किया था सीनिया। जानती हूं मैं, लेकिन मैं तुम दोनों को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। ये शादी कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मतलब फिलहाल हम अभी ये कर सकते हैं, है ना जीनिया? क्या कहोगी तुम? हाँ, हेल्प तो मैं भी उसकी करना चाहती हूँ, लेकिन यार मैं अयास का क्या करूँ? और वैसे भी एक हफ्ते की ही तो बात है। हमारी शादी फिर डिवोर्स का कुछ करना चाहिए ना, यानी हम दोबारा से अच्छे दोस्त बन जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कुछ जैसा था वो वैसे ही हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। हाँ ठीक है सीनिया, तुम इस तरह मुझे छोड़कर जा रही हो, समझ सकता हूँ मैं। जावियर प्लीज ऐसे तो ना कहो। मैं अब और क्या कहूँ सीनिया, कुछ नहीं कह सकता। I'm so sorry, लेकिन मुझे अयास की फिक्र है, मुझे उससे बात करनी है। उसे छोड़कर आ गई थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। आई थिंक मुझे उससे डिस्कस करना चाहिए, क्या पता उसके पास कोई अच्छा सोल्यूशन हो। जावियर यही काम नहीं था, बल्कि ये मफलर भी पूरा हो गया है, ये भी उससे पहुंचा दूंगी। मुझे फौरन उसके पास पहुंचना। रुको सीनिया, ये मत भूलो कि हम दोनों मतलब कानूनी तौर पर लीगल हस्बैंड एंड वाइफ है, समझ गई ना? एक बार तुम अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एक्सक्यूज मी, हेलो, अयास आने वाला था ना वहां, तो क्या वो बीमार है? ओके ओके, मैं आ रहा हूं। अयास बीमार हो गया है, मुझे पहले से अंदाजा होना चाहिए था। ज़ीनिया, ज़ीप। तुम्हारा बिजनेस पार्टनर तुम्हें ढूंढता फिर रहा है और सबको बता रहा है कि तुम कंगाल हो गए। अगर आएगी तो हाल पूछ लीजिए। अब ठीक हो तुम? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम्हें कोई शक है क्या? ज़ीनिया, क्या हुआ? और ये मतलब तुम गीली कैसे हो? बस बस रुक जाओ, सही से फ्रेम बनाओ और तीनों को फोकस करना।